पंजाबियों के लिए गर्मी कोई खास ऐसी नहीं मायने रखती, क्योंकि हम लोग खेतों में काम करके आए हैं। हम लोग 48-50 डिग्री में तो आम तौर पे ही घूमते रहते हैं, तो मेरे ख्याल में 70% से ज़्यादा, 75% से भी ज़्यादा वोटिंग की उम्मीद है। तो एक घंटे में 10% हो गई है इस बूथ पे, तो एक घंटे में 10% हो गई है, तो इसका मतलब अगर थोड़ा 1-2 बजे थोड़ा स्लो भी हो गया तो 4-5 बजे फिर अप होगा, तो 70 से 80 की तरफ जा रहा है जी। वोट की कीमत तो जो मेरे सामने लाइन में खड़ा है उसकी भी वही है ना, वोटर कार्ड तो उसके पास भी वही है, मेरे पास भी वही है, तो लाइन में लगने में कोई हर्ज नहीं है। वीवीपैट का कोई इशू था, वीवीपैट का कोई इशू सीगा, वो उन्होंने चेंज कर दिया। सर 13 दिन 13 हॉट ने, क्योंकि देश की सरकार बनानी है, कल संगरूर ने नहीं, 13 दिन 13 हॉट ने, और 13 दिन 13 साढ़े लिए अज तो वैसे ही हॉट डे है, ठीक है ना, तो फिर कोई। तो पंजाबियों की हिम्मत का हवाला देकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ये कहते हुए कि यकीन मानिए इस बार पंजाब में जो वोटिंग परसेंटेज है वो रिकॉर्ड देखने के लिए मिलेगा। और इस बीच हिमाचल का रुख करेंगे, कंगना रनौत जो कि उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से मंडी से पहली बार चुनाव में किस्मत आजमा रही है, उनके पिता है अमरदीप रनौत, वो भरोसा जता रहे हैं कि फिल्मों की तरह ही कंगना की राजनीति में एंट्री भी हिट साबित होने वाली है। कंगना रनौत ने बड़ी ऊंचाइयां हासिल की हैं अभिनय के क्षेत्र में, ये जो राजनीतिक पारी उन्होंने शुरुआत की चुनाव प्रचार में आपने देखा, क्या फर्क आपने महसूस किया है अपनी बेटी में उनकी जब राजनीतिक पारी की शुरुआत हुई है इस चुनाव में? देखिए, उसने हमेशा ही जब भी वो किसी काम को चुनती है, एक उसका टारगेट होता है, उस काम को वो बखूबी निभाती है, और आज तक उसने जो भी रोल किए, जहाँ भी फिल्म में रोल किए हैं वो बहुत अच्छे किए हैं, और उसकी वो जो सारी फिल्में हैं वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुई है और बहुत हिट हुई है, तो मुझे लगता है कि इस रोल में भी वो बहुत अच्छी उतरेगी, जो ये रोल दुनिया ने और जनता ने उसको जो प्यार दे रही है, जहाँ जहाँ वो जा रही है भारी भीड़ जो है वो उसको वोट देने के लिए आ रही है। तो एक पिता को उम्मीद है कि बिटिया की जो राजनीतिक पारी है वो भी हिट होगी सिनेमाई पारी की तरह, लेकिन अब तक कंगना ने अपने लिए भूमिकाएं चुनी है, इस बार जनता को चुनना है यहां पर कि क्या कंगना को वो सांसद की भूमिका देते हैं या नहीं। 24 चुनाव का ये अंतिम दौर चल रहा है, अगर आपके इलाके में भी आज वोटिंग हो रही है तो वोट जरूर दीजिए, मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, आप भी निभाइए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।